वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ टीम प्रोडक्ट्स। आज हमारे पास में एक प्रोडक्ट है जो कि है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो। आज हमारे पास में है बाइकिंग ब्रदरहुड यानी BBG ब्रांड का वॉयेजर एडिशन राइडिंग जैकेट। इसको मैंने अभी जो है रिसेंटली परचेस किया है। तो आज के इस वीडियो में इस जैकेट का जो ओवरव्यू है वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मैंने एक्चुअल में ये जो जैकेट है इसको परचेस करने से पहले जो है इंटरनेट पर काफ़ी सारा चेक किया था, वीडियोज़ वगैरह। किसी भी वीडियोज़ में मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है नहीं मिला इस जैकेट से रिलेटेड, बट आज के इस वीडियो में हम इसके रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको दे देंगे कि ये जो जैकेट है ये कितना वैल्यू फॉर मनी है, इसमें क्या क्या फीचर हमको देखने को मिलते हैं और कितना कंफर्टेबल है, और ये जो ओवरऑल प्रोडक्ट है इसका जो रिव्यू है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं ये जो राइडिंग जैकेट है इसका सिनेमेटिक्स को, और फिर इसके बाद बात करेंगे इस राइडिंग जैकेट के फीचर्स के बारे में। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पैकेजिंग की, तो कुछ इस तरीके का जो पैकेजिंग है वो आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो तो इस तरीके का जो कवर के साथ में ये जो जैकेट है ये हमें मिलता है। तो इस कवर का जो क्वालिटी है वो डिसेंट है, उतना अच्छा क्वालिटी का कवर भी ये नहीं है। तो अभी हम जो जैकेट है कवर से बाहर निकालते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप यहाँ पे इसका जो लुक है वो देख सकते हो कि किस तरीके का जो लुक है वो जैकेट का आपको मिलता है। और यहाँ पे ये वाला जो रेड और व्हाइट का ग्राफिक्स है ये अलग अलग ग्राफिक्स के साथ में जैकेट में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका जो जिप का क्वालिटी है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिसेंट सा जिप का क्वालिटी है, उतना अच्छा जिप क्वालिटी मैं ये नहीं बोलूंगा। उसके अलावा यहाँ पे जो साइड पॉकेट है यहाँ पे भी आपको जो जिप लॉक है वो मिल जाता है, तो कोई भी सामान आप अगर रखते हो तो बिल्कुल सिक्योर यहाँ पे हो जाएगा। इस साइड में जो ये जो टाइट करने के लिए ये जो फिटिंग्स है इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों साइड में आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसका जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में बात करें इस जैकेट का, जो कि कोई भी राइडिंग जैकेट का मेन व्यू होता है, तो यहाँ पे जो बैक प्रोटेक्टर है वो हमें मिलता है, और बैक प्रोटेक्टर को रिमूव करने का जो मैकेनिज्म है ना वो नीचे के साइड में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेलक्रू के साथ में इसका जो लॉक है वो बनाया गया है। तो इसे खोल के आप ये जो बैक प्रोटेक्टर है इसको रिमूव करके जो जैकेट को वॉश वगैरह है वो कर सकते हो। इसमें जो साइड प्रोटेक्टर है यानी चेस्ट प्रोटेक्टर भी दिया होना चाहिए, बट यहाँ पे आप अगर देखोगे तो चेस्ट प्रोटेक्टर के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है, बट जो चेस्ट प्रोटेक्टर है वो इसके अंदर में लगा हुआ मुझे नहीं मिला। एक्स्ट्रा खरीद के यहाँ पे जो चेस्ट प्रोटेक्टर है उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। दोनों साइड में जगह है बट चेस्ट प्रोटेक्टर जो है लगा के नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक और जो है सीक्रेट पॉकेट जो है मिल जाता है, और ये जो पॉकेट है ये बिल्कुल फुल्ली वाटरप्रूफ पॉकेट है। तो यहाँ पे आप अपना कोई डॉक्यूमेंट फ़ोन वगैरह है यहाँ पे रख सकते हो, और हेडफोन वगैरह यहाँ पे निकालने के लिए जो वायर वाला सिस्टम है ये दिया हुआ है। तो उसके अलावा यहाँ पे जो शोल्डर प्रोटेक्टर है वो भी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि इस साइड से आप यहाँ पे फील कर सकते हो। तो ये जो शोल्डर प्रोटेक्टर है इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो वेलक्रू डिज़ाइन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको रिमूव करके यहाँ पे आप जो शोल्डर प्रोटेक्टर है उसको देख सकते हो, या फिर आप वॉश वगैरह कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से इस साइड में भी जो शोल्डर प्रोटेक्टर है वो मिल जाता है, और यहाँ पे जो एल्बो प्रोटेक्टर है वो आपको मिल जाएगा। तो एल्बो प्रोटेक्टर भी रिमूवेबल है, और इस जगह के ऊपर में जो एल्बो प्रोटेक्टर है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे एल्बो प्रोटेक्टर को और ये वाला जो हैंड वाला सेक्शन है इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे जो ये वाला जो सिस्टम है ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ये जो दोनों प्रोटेक्टर है इसको सेट कर सकते हो, ये जो दोनों स्ट्रैप है इसकी मदद से। और उसके अलावा यहाँ पे एक न्यू फीचर्स है जो कि मैंने इस जैकेट में पहली बार देखा। तो यहाँ पे ये जो जिप है इसे खोल के आप यहाँ पे कोई भी नोट्स वगैरह या फिर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप रख सकते हो, जिससे कि इमरजेंसी के टाइम जो है आप दिखा सकते हो। तो इसका जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप देख सकते हो कि किस तरीके का जो ये यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे जो प्रोटेक्टर दिया हुआ है ना वो है लेवल 2 प्रोटेक्टर, और यहाँ पे ये एस साइज है, ठीक है एस साइज है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे काफी ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल का यूज करके इसका जो शोल्डर वगैरह है इसको बनाया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर में ये आता है काफी अच्छा क्वालिटी ये जो जैकेट है ये मुझे लगा।
इसके बैक साइड कुछ इस तरीके का जो लुक है वो दिखता है, और यहाँ पे ऊपर में जो लोगो है, जो ब्रांडिंग है, वो आपको मिल जाएगा। वॉयेजर एडिशन है तो इसमें इस तरीके का जो लोगो है वो आता है। तो डिजाइन ग्राफिक्स आप देख सकते हो, और यहाँ पे बैक प्रोटेक्टर भी यहाँ पे जो है काफी ज्यादा अच्छी तरीके का है। बट यहाँ पे एक जो यहाँ पे आप देखो एक लाइन जैसा दिख रहा है, एक्चुअल में ये एक पॉकेट है, ठीक है। ये जो पॉकेट है ये जिप जो जिप है उसके साथ में ये है। तो इस पॉकेट के अंदर में ना मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो देखो ये जो पॉकेट है, इस पॉकेट के अंदर में एक्चुअल में क्या था आपको पता है? इस पॉकेट के अंदर में ना इस जैकेट का जो रेन कवर है वो था, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा डिजाइन वाइज अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो इस पॉकेट के अंदर में बहुत बड़ा जगह है जहाँ पे कि आप अपना जो रेनकोट वगैरह है उसको रख सकते हो। तो कुछ लोगों के लिए ये जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, और स्पेशली मेरी बात करूँ तो ये मुझे डिजाइन वाइज थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पे पीछे के साइड में जो है इस तरीके का पॉकेट देना चाहिए। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, जैकेट बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे जो प्रोटेक्शन वाइज अगर हम देखें जो जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर में आता है तो काफी अच्छा जैकेट ये मुझे लगा। सो गाइस अभी हम बात करते हैं इसका जो थर्मल लाइनर है उसके बारे में। तो इसका जो लुक्स है आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले अगर इसके लुक्स की बात करें तो यहाँ पे जो BBG है उसका ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाता है, और ये जो थर्मल लाइनर है आप देख सकते हो बिल्कुल एक शर्ट की तरह है, और ये फुल थर्मल लाइनर है, और इसका जो वेलक्रू है ये भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। और थर्मल लाइनर के अंदर में भी अपने को जो पॉकेट्स है वो मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप अपना कोई सामान वगैरह है तो रख सकते हो। तो एक्चुअल में इसको जो है जैकेट के अंदर में पहना जाता है, तो ये जो थर्मल लाइनर है ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करेगा ऐसा मुझे लगता है। बाकी अभी विंटर का तो टाइम नहीं है तो इसको मैंने पहन के चेक नहीं किया है। उसके अलावा हम बात करते हैं इसका जो रेन लाइनर है उसके बारे में, या फिर आप कह सकते हो रेनकोट। तो इसका जो लुक्स है आप देख सकते हो, इसका जो कलर है वो कैसा आ रहा है, जैकेट के साथ में बिल्कुल भी ये मैच नहीं करता है, ना ही मेरे बाइक के साथ में ये मैच करता है, बिल्कुल एक चटकने वाला कलर है। तो अगर हम बात करें इसके क्वालिटी के बारे में तो इसका क्वालिटी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और किसी भी अगर हम बात करें जो रेन लाइनर है उसके बारे में तो लोकल रेन लाइनर से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का रेन लाइनर है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें कोई फीचर्स दिखाने वाली बात तो है नहीं। बाकी इसका जो वेलक्रू है आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे वेलक्रू का पूरा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे जो चेन का डिज़ाइन है वो दिया हुआ है। तो इसको मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ कि कैसा जो है ये अंदर से भी दिखता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वेलक्रू से इसको जो है लॉक करने का यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है, और यहाँ पे जो चेन सिस्टम है ये भी है। तो चेन को लग खोल के इस तरीके से आप पहन सकते हो, और प्रॉपर फिटिंग ये आता है, मैं आपको पहन के भी दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो रेन लाइनर है उसको भी पहन लिया है, और ये जैकेट के साथ में प्रॉपर फिटिंग से जो है फिट हो रहा है, ऐसा नहीं कि किसी भी जगह पे टाइट हो रहा है या फिर लूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं, प्रॉपर फिटिंग के साथ में ये जो रेन लाइनर है ये काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो जो लुक्स है वो कैसा रहा है। अभी फिलहाल के लिए ये जो रेन लाइनर है इसे हम खोलते हैं और बात करते हैं जैकेट के बारे में। सो गाइस अभी तक आपने देखा ये जो वेजर जैकेट है इसका फीचर्स ओवरव्यू तो आपने देख लिया, अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में और वैल्यू फॉर मनी के बारे में। तो ये जो राइडिंग जैकेट है ये मुझे 7,000 से 7,500 रुपीस के बीच के में मिला है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें जो फीचर्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और कंफर्टेबल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ये जो राइडिंग जैकेट है ये मुझे लगा। इससे पहले मैंने DSG का रेस प्रो राइडिंग जैकेट का रिव्यू किया था, बट उससे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ये जो राइडिंग जैकेट है ये मुझे लगा है। अगर हम बात करें इसका कुछ जो है डिसअपॉइंटमेंट की, तो यहाँ पे जो डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे तो इसके पीछे के साइड में जो रेन लाइनर रखने का कंपार्टमेंट है ना उसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगा कि ऐसा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि राइडिंग जैकेट के अंदर में कौन रेन लाइनर लेके घूमेगा, ठीक है, और वहाँ पे रखना भी कोई उतना सेंसेबल नहीं बना। प्राइस ओवरऑल देखा जाए तो ये जो राइडिंग जैकेट है ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, और इसका जो बाय लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके इसका जो प्राइस पॉइंट है उसको चेकआउट कर सकते हो, और आप अगर चाहो तो इसको जो है बाय कर सकते हो, बिल्कुल बाय करने के लायक राइडिंग जैकेट है। तो गाइस उम्मीद आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।